गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल द लाइव रेड्स वंस अगेन। अभी दोपहर के बजने वाले हैं 12 और आज अभी भी हम लोग हैं पन्ना में थर्ड डे और यहां से निकलने वाले हैं लखनऊ के लिए वापस। तो फिलहाल रेडी हो रहे हैं, बाकी सब लोग रेडी हो चुके हैं, मैं भी रेडी हो गया हूं ऑलमोस्ट, बस जैकेट पहन के निकलना है। आपको दिखाता हूं बाहर का माहौल कैसा है एक बार फिर से, लास्ट टाइम दिखाता है। ये टेंट है जहां पे स्टे कर रहे थे एंड ये जैकेट है जो मैं पहन लूंगा बैग बाइक में लगाने। और बाहर का कुछ माहौल ऐसा है, देखो सारे लोग गैदर हो गए वहाँ पे, सारे राइडर्स रेडी हैं, तो चलो चलते हैं फटाफट। इट्स द टाइम टू से बाय टू बेयर वैली कैंप और ये हैं सलील सर जो थे हमारे होस्ट फॉर 3 डेज। इट वाज रियली वेरी अमेजिंग एक्सपीरियंस, थैंक यू फॉर होस्टिंग अस फॉर 3 डेज एंड इट वाज वेरी अमेजिंग। तो ये भी हमारे साथ थोड़े दूर तक राइड पे जाने वाले हैं एंड फिलहाल आज वापस निकलेंगे लखनऊ के लिए। बाकी के सारे राइडर्स ये देखो रेडी हो रहे हैं। तो क्योंकि मेरी बाइक जो है अभी तक बनी नहीं है, सर्विस सेंटर में है, तो उधर से जब आए थे राइड पे तो मैं GS लेके आया था जो कि और विशाल भाई ये वाली बाइक लेके आए थे मेरा बैग बांध के। तो फिलहाल देखो बैग को बांधा जा रहा है और इधर से ये वाली बाइक लेके चलेंगे। तो बैग बांध दिया है, बाइक रेडी है, हालत देख रहे हो क्या हुआ है राइड करके, कितनी गंदी बाइक हो चुकी है। ये देखो 850 GS भी रेडी हो गई, आदि भाई रेडी हो रहे हैं, अभी लाइन अप हो रहा है, फोटो वगैरह खींचेंगे उसके बाद निकलेंगे। तो भाई राइड स्टार्ट हो गई है लखनऊ की वापसी के लिए और जस्ट अभी बेयर वैली कैंप से निकले हम लोग बाहर। तो लास्ट टाइम जिस रास्ते से आए थे वो सिटी के अंदर से रास्ता था, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक मिला था, बहुत स्लो गए थे। तो आज ट्राई करेंगे कि रूट चेंज करके हाईवे वाले रूट से जाएं। तो यहाँ तक तो ठीक था, यहाँ से चित्रकूट के लिए जो हमारे गाइड हैं, जो हमारे लीड हैं, वो बेयर वैली कैंप के जो होस्ट हैं सलील भाई वही लीड कर रहे हैं। तो वो हमें चित्रकूट के लिए जो रास्ता है हाईवे तक छोड़ के आएंगे, फिर वहाँ से हम ट्राई करेंगे कि हाईवे होके जाएं तो उस दिन की तरह ट्रैफिक ना मिले। तो अभी तो फिलहाल दोपहर हो गई है तो आज तो पहुँचते पहुँचते लग रहा है शाम हो ही जाएगी, 7-8 बज जाएंगे लखनऊ पहुँचते हुए। तो सब बढ़िया से खाना पीना हो गया, सुबह निकलने से पहले ही ब्रेकफास्ट हैवी कर लिया गया, ब्रेकफास्ट क्या ब्रंच बोल सकते हैं, तो अब लंच की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो लास्ट टाइम GS लेके आए थे, अभी नेकेड बाइक लेके जा रहे हैं, देख लो ऑफ रोड रास्ता है तो इसका भी काफ़ी बढ़िया एक्सपीरियंस है, बाइक अच्छी है लेकिन इन सिटी राइड के लिए बेस्ट है, ऐसे रास्तों के लिए भाई GS ही ठीक है वरना हमारी टूई की हालत ख़राब हो जाएगी। इसका जो सस्पेंशन है वो उतना अच्छा नहीं है। तो वो देखो पूरा काफिला चल रहा है, सामने देखो लाइन से भाई बाइकर्स जा रहे हैं और क्या बढ़िया, मतलब लगता है देखने में अलग ही मज़ा आती है। देखो लाइन से सब के सब एक के पीछे एक धुरंधर, सारी तरह की बाइक्स हैं इसमें, RR 310 है, 310R है, GS है, 850 GS है और आज तो सलील भाई जो हमारे होस्ट है बेयर वैली कैंप के वो भी हमारे साथ हैं हिमालयन पे, जिस पर्पज़ से आए थे वो नहीं पूरा हो पाया। टाइगर तो हमें नहीं दिखा सफारी में भी, लास्ट टाइम जिम कॉर्बेट गए वहाँ भी नहीं दिखा, इस टाइम भी गए। शेर जो है लोमड़ी के चक्कर थोड़ा बिजी चल रहे हैं लग रहा है। तो बेयर वैली कैंप से थोड़ा आगे आ गए हैं, वो ऑफ रोड ख़त्म हो चुका है, रोड अच्छी मिल गई है, गाँव वाला थोड़ा एरिया है यहाँ से जा रहे हैं। और ये विलेज कौन सा है नाम, अच्छा ये देखो यहाँ पे लगा हुआ है बोर्ड, ये है हनुमतपुर, हनुमतपुर पुलिस चौकी आ गए हम लोग। ये देखो गांव की पुलिस चौकी है, ये जो है ये हनुमतपुर पुलिस चौकी है। करीब 15-20 मिनट हुए हैं राइड करते हुए, तो फिलहाल रेंज कम है सारी बाइकों में, 100 से नीचे है और जाना है हमें अराउंड 260-280 किलोमीटर तो लखनऊ। तो अभी एक पेट्रोल पंप है भारत पेट्रोलियम का, यहाँ पे सारे लोग अपना बाइक में फ्यूल फिर से रिफिल करवा रहे हैं, तो मैं भी डला लेता हूँ उस बाइक में फ्यूल, उसके बाद कंटिन्यू करते हैं राइड। जहाँ पे भी हम लोग बाइक से जाते खड़े होते हैं तो वहाँ पे थोड़ा भीड़ लग जाती है, लोग जो है देखने लगते हैं बाइक को, देखो सामने ये पब्लिक रिएक्शन, तो पब्लिक प्रेजेंस जो है BMW बाइक्स का बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। मतलब कोई भी बाइक हो, RR 310 हो नेकेड में, ये 310R हो या GS हो, 850 GS है, कोई भी बाइक, तो ये कॉमन बाइक्स नहीं है, मतलब ऐसे आउटर या विलेज एरियाज में तो और ज़्यादा लोगों ने नहीं देखी होती। तो कहीं ना कहीं जहाँ पे भी खड़ी करो भाई भीड़ थोड़ा लगी जाती है, लोग देखने ही लगते हैं। वो देखो सामने 3 भाई लोग खड़े हैं बाइक्स देख रहे हैं, कुछ लोग फोटो भी क्लिक कर रहे हैं। तो फ्यूल फुल करवा लिया है इस बाइक में, ये देखो रेंज हो गई है अभी 327 कुछ दिखा रहा है, एक मिनट, ये 329 की रेंज दिखा रहा है और हमें लखनऊ तक जाना है सिर्फ 260 या 270 किलोमीटर अब। तो उसमें जो फ्यूल आया है वो आया है 980 रुपीज़ का। तो फिलहाल फ्यूल फुल करवा चुके हैं और बाकी के बाइकर्स देखो थोड़ा वेट कर रहे हैं। तो यहाँ पंकज सर की बाइक में थोड़ा इशू हुआ है, मिरर लूज़ हो गया तो टाइट किया जा रहा है और यहाँ से अभी बस निकलते हैं, कंटिन्यू करते हैं आगे की राइड। तो सलील भाई यहाँ तक हमें छोड़ने आए थे ड्रॉप करने, जो हमारे होस्ट थे 3 दिन के लिए बेयर वैली कैंप के ओनर हैं। अच्छा लगा, तो इनको सी ऑफ करके बस निकलते हैं यहाँ से। ये आकाश भाई हैं कुछ बोलेंगे नहीं अभी, इन्होंने आज मौन व्रत धारण किया हुआ है। अच्छा ट्रायल में सब बोलेंगे, अरे
तो अभी हम लोग राइड कर रहे हैं अजयगढ़ में, और जो रूट आज लिया है वो चित्रकूट होते हुए जाएंगे लखनऊ। ये देखो बोर्ड लगा हुआ है भाई चित्रकूट, यहाँ से चित्रकूट करीब 102 किलोमीटर है एंड उसके बाद करीब 150 किलोमीटर होगा लखनऊ चित्रकूट से। तो ये रास्ता थोड़ा अच्छा है इसलिए इधर से जा रहे हैं, और सेम रूट से आओ सेम रूट से जाओ भाई तो मज़ा भी नहीं आती। भाई थोड़ा सा टाउन वाला एरिया है, कस्बा है, देखो यहाँ पे लोग बसे हुए हैं, यहाँ पे थोड़ा देख संभल के चलना होता है, लेकिन उतना भीड़ नहीं है जैसे थी जब जिस रास्ते से आए थे, उधर तो बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी भाई। कलिंजर होते हुए चित्रकूट जाएंगे इधर से, और चित्रकूट से फिर लखनऊ। तो जब भी पन्ना से आप जाएंगे चित्रकूट की तरफ तो ये रास्ता काफ़ी खूबसूरत है, चारों तरफ हरियाली है, बीच बीच में गांव बसे हुए हैं, रोड बहुत बढ़िया है बना हुआ है, मतलब चौड़ा रोड नहीं है, सिंगल ही लेन है, लेकिन रोड अच्छा है। तो अभी जहां पे हम राइड कर रहे हैं यहां से कलिंजर है अराउंड 26 किलोमीटर, तो कलिंजर पहुँचने के बाद फिर सीधा कंटिन्यू ही रखना है टिल चित्रकूट। और लेफ्ट साइड में अगर देखें तो ये देखो भाई पहाड़ एरिया भी है, इधर पहाड़ वगैरह है इधर, बाकी चारों तरफ आपको ग्रीनरी दिखेगी, खेत ही खेत। तो अभी तो बहुत बढ़िया मौसम है, मतलब फेब का महीना है, देखो सरसों के पौधे लगे हुए हैं पूरा, जिधर नज़र डालो येलो फ्लावर्स, मस्टर्ड के फ्लावर्स, एकदम बढ़िया नज़ारा है। हम अभी हैं बजरंगपुर में, ये है बजरंगपुर, देखो फिर से रुक गए क्योंकि कुछ लोग पीछे रह गए, थोड़ा उनका वेट करेंगे। तो जब भी ग्रुप राइड करते हैं तो ये हमेशा ध्यान रखिए साथ वाले को छोड़िए मत, पता चला पीछे वाला रह गया आया ही नहीं, सिंक में चलते हैं सबके सब, एक दूसरे का वेट करते हैं। बढ़िया पेस में हम लोग आ रहे थे, देखो दो गाय बीच में लड़ रही है, तो जानवर ऐसे रास्ते में बीच में लड़ रहे हैं तो भाई रुक जाओ आराम से चलो, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। लो अभी जानवर लड़ रहे थे, लो बीच में ट्रक निकाल दिया भैया रास्ते में। आज लग रहा है टाइम हो जाएगा काफ़ी लेट, मतलब 9 बजे तक लखनऊ पहुंच जाएंगे शायद। कवर करने को तो डिस्टेंस ज़्यादा नहीं है, लेकिन ग्रुप में राइड करते हैं तो थोड़ा स्लो ही होती है राइड। ये देखो सामने बोर्ड भी है, हाँ तो बोर्ड में आप देख लो चित्रकूट है 70 किलोमीटर, आगे से जाके राइड लेना है। और यहाँ से यूपी एंटर हो गए हम लोग, एमपी से, ये देखो लिखा उत्तर प्रदेश पर स्वागत है आपका, तो एमपी से एंटर कर चुके हैं यूपी में। यूपी में जैसे ही एंटर करें हैं, ये देखो एक बढ़िया सा ब्रिज आ गया है बढ़िया व्यू के साथ, तो सामने देखो इधर पहाड़ है और पूरा हरियाली पेड़ पौधे, और ये बीच में एक बढ़िया सुंदर सा ब्रिज रोड के बीच में, यमुना नदी है शायद, लेकिन पानी ज़्यादा नहीं है, सूखा हुआ है, सूखी पड़ी हुई ये नदी, देख लो पानी कम होता जा रहा है, ये सब हमारी हरकतों की वजह से है, इंसानों की हरकतों की वजह से। तो भाई कलिंजर लगभग पहुँच ही गए, और ये देखो सामने पहाड़ है, जो ये है फोर्ट और किला दिख गया सामने, ये सामने ऊपर पहाड़ों पे देख लो फोर्ट है, आई थिंक ये कलिंजर फोर्ट ही है, कलिंजर फोर्ट ही है वो जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको पहाड़ के ऊपर दिखाया, वो कलिंजर फोर्ट है। और कलिंजर फोर्ट जाने के लिए ये देखो किला रास्ता बना हुआ है, गेट गेट से एंटर करते हैं, तो एंटर कर चुके हैं कलिंजर फोर्ट के लिए, लेकिन हम वहाँ जाएंगे नहीं, इधर से बस पास बाई करेंगे। तो कलिंजर फोर्ट का रास्ता भी यही है, यहाँ पे देखो कस्बा है थोड़ा, मार्केट वगैरह है, और ये सामने जो पहाड़ है इसके ऊपर फोर्ट है जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको दिखाया वीडियो में। तो इधर से ही जाएंगे चित्रकूट कलिंजर फोर्ट, कभी देखते हैं मौका मिला तो कलिंजर फोर्ट भी जाके घूम लेंगे। आई थिंक 3 बजे के करीब एक लंच ब्रेक होगा एंड उसके बाद फिर डायरेक्ट लखनऊ। तो अब यहाँ से सीधा चित्रकूट पे रुकेंगे क्योंकि अब कोई जरूरत है नहीं ब्रेक की, फ्यूल वगैरह सबका फुल है। यहाँ से करेंगे राइट टर्न और यहाँ से चित्रकूट बचा है ओनली 20 किलोमीटर, 2:30 बज चुके हैं ऑलरेडी, तो जैसा मैंने बोला था कि लगभग 3 बजे ब्रेक होगा तो वही होगा, 20 किलोमीटर बचे हैं और आधे घंटे में तो पहुंच ही जाएंगे। तो 3 बजे लंच ब्रेक होगा, चित्रकूट वही जगह है जहां प्रभु श्री राम जी ने सबरी के जूठे बैर खाए थे, तो इसलिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है चित्रकूट का भी। ये देखो सामने बोर्ड लगा हुआ है, प्रभु श्री राम जी की तपोभूमि चित्रकूट में आपका हार्दिक अभिनंदन है। तो प्रभु श्री राम की तपोभूमि चित्रकूट पहुंच चुके हैं हम लोग, तो चित्रकूट में हैं अभी हम लोग, और चित्रकूट सिटी में ही राइड कर रहे हैं, और सिटी में भी राइड करने का अलग मजा है, मतलब सब कुछ देखते हुए एक्सप्लोर करते हुए जा रहे हैं। शाम होने वाली है, 3 ऑलरेडी बज चुके हैं, अभी तक हम लोग लंच ब्रेक के लिए रुके नहीं हैं। तो भाई फाइनली ब्रेक ले लिया है लंच ब्रेक, और टाइम हो गया है कितना, 3:30 बजने वाला है भाई, 3:22 हुआ है और अभी लंच ब्रेक हुआ है। यहाँ पे रोड के किनारे एक ढाबा है छोटा सा पांडे ढाबा, यहाँ पे अब खाना वाना खाया जाएगा, लंच करेंगे फिर आगे कंटिन्यू होगी राइड। ये देखो सारी बाइक लग गई हैं, सारे लोग रुक गए हैं,
चित्रकूट से काफ़ी आगे आ गए हम लोग, और ये है पांडे ढाबा, यहाँ पे खाना खाएंगे। और डॉक्टर साहब कैसा लगा? ये हमारे ग्रुप में एक डॉक्टर साहब हैं, नाम नहीं बताएंगे वरना आप परेशान करेंगे इनको। लंच करके आगे कंटिन्यू कर दिए राइड, और लंच क्या मतलब इवनिंग स्नैक्स बोल सकते हो, शाम के टाइम खाना खा रहे हैं। लंच 5 बज गए एंड यहाँ से अभी 200 किलोमीटर से ज़्यादा कवर करना है लखनऊ पहुँचने के लिए। भी राइड बढ़िया चल रही है, काफ़ी बढ़िया मोमेंटम मिला हुआ है, 70-80 तो चल ही रहे हैं सारे के सारे एक सिंक में। तो ऐसे राइड होती है तो भाई मज़ा आने लगती है। यहाँ से लेफ्ट टर्न ले रहे हैं, यहाँ से बांदा होते हुए जाएंगे, बांदा है 88 किलोमीटर, ऑन द वे पड़ेगा तो वाया बांदा जाएंगे लखनऊ। ऑन द रूट टू बांदा ये यमुना ब्रिज है, यहाँ पे ये देखो यमुना नदी है और ये ब्रिज पड़ा है, ब्रिज क्रॉस करके जा रहे हैं। फिलहाल नदियों में पानी बहुत कम हो गया है, किसी भी रिवर क्रॉसिंग में जाओ या ब्रिज में जाओ ऐसा लगता है भाई पानी सूख रहा है, सब पानी खत्म हो गया है। भाई पहला बोर्ड मिल गया जिसमें लखनऊ लिखा हुआ है, लखनऊ यहाँ से अभी भी बचा हुआ है तो अरे भाई ज़्यादा दिखा रहा है, तो 213 किलोमीटर है अभी लखनऊ, तो 213 किलोमीटर और कवर करना है लखनऊ पहुँचने के लिए, और 5:15 हो गया है। सोचा था कि शाम के 5-6 बजे तक लखनऊ आ जाएंगे और फिर थोड़ा रेस्ट कर लेंगे, संडे है, सोचा था शाम को पहुँच जाएंगे डिनर करेंगे, अब तो लग रहा है डिनर नसीब भी नहीं होगा। ये लेफ्ट में जो है कौसाम्बी का स्पोर्ट्स स्टेडियम है, तो कौसाम्बी में अभी हम लोग राइड कर रहे हैं। अब जो है जैसे जैसे शाम हो रही है ट्रैफिक बढ़ता जा रहा है और 6 बजने वाले हैं करीब, सनसेट भी ऑलरेडी हो चुका है, पहुँच तो जाएंगे ही लखनऊ बट थोड़ा लेट होगा। आउटर में आप कभी राइड करते हैं ना तो रोड के चारों तरफ अंधेरा ही रहता है पूरा, यहाँ पे क्योंकि टाउन वगैरह है नहीं और रोड लाइट्स वगैरह भी कुछ नहीं है, सिंगल स्ट्रेट रोड है, सिंगल लेन, तो एकदम अंधेरा अंधेरा लग रहा है, बहुत ज़्यादा अंधेरा लगता है शाम को ही। तो अभी सिर्फ 6:30 बजे हैं और इतना ज़्यादा अंधेरा लग रहा है, ऐसा लग रहा है बहुत रात में राइड हो रही है। फिलहाल तो अभी भी बहुत ज़्यादा राइड करके जाना है, लेकिन अब सारे के सारे थक गए हैं, सबको चाहिए एक टी ब्रेक, तो शायद कहीं पे सारे लोग चाय पीने के लिए रुके थोड़ी देर, कहीं पे आके टाउन वगैरह आएगा वहाँ पे कुछ मिलेगा तो वहीं टी ब्रेक लेंगे। तो ये कोई तो ब्रिज फिर से पड़ गया है, लेकिन अंधेरे में समझ नहीं आ रहा है, आपको सिर्फ यही दिखेगा, इधर उधर पानी नहीं दिख रहा होगा नदी, तो इधर राइट में आप देखो तो थोड़ा दूर लाइट दिख रही है और पानी में रिफ्लेक्शन उनकी। तो अगर कहीं ब्रेक लिया तो कम से कम आधा घंटे 40 मिनट तो जाएंगे ही, तो अब तो यही लग रहा है कि कोशिश करके 11 बजे तक भी लखनऊ पहुंच जाए तो अच्छा ही रहेगा, एटलीस्ट सुकून वाली नींद तो मिल जाएगी घर पे रात में। एक जगह पे अभी चाय पीने के लिए ब्रेक लिया था तो वहाँ पे करीब करीब 40 मिनट्स लगे, अब फिर से देखो अभी 7:30 बज गए एंड राइड कंटिन्यू कर दी गई है वापस लखनऊ के लिए। तो भाई रायबरेली पहुंचने वाले, ये देखो बोर्ड आ गया तो लिमिट यहाँ से स्टार्ट हो गई है, रायबरेली स्टार्ट हो गया 20, और अभी हम लोग राइड कर रहे हैं NH 24B पे एंड अब रायबरेली से लखनऊ ज़्यादा दूर नहीं है, 1.5-2 घंटे और राइड करना पड़ेगा बस पहुँचाएंगे लखनऊ। काफ़ी राइड करके आ गए भाई, अब यहाँ से सिर्फ बचा है 88 किलोमीटर लखनऊ और रात के 8 बज चुके हैं। फोर लेन हाईवे मिल गया है रायबरेली रोड, तो यहाँ से लखनऊ करीब सिर्फ बचा है 80 किलोमीटर। तो भाई आ गए लगभग लखनऊ, ये देखो बोर्ड लगा हुआ है NH 24B है, ये रायबरेली रोड लखनऊ विकास क्षेत्र में आपका स्वागत है। तो लखनऊ एंटर कर चुके हैं, यहाँ से बस पहुँचने ही वाले हैं थोड़े देर में एंड ये देखो टाइम हो गया है एग्जैक्ट 9 बजे हैं। तो फाइनली भाई पूरा दिन राइड करके पहुंच गए हैं लखनऊ वापस, और देखो टाइम हो गया है 9:54 यानी 10 बज गए हैं, और यह है BMW का शोरूम कम सर्विस सेंटर, तो यहीं से गाड़ी ली थी और यहीं वापस खड़ी करनी है। तो फिलहाल इतने टाइम सर्विस सेंटर खुलता नहीं है, लेकिन क्योंकि बाइक वापस रखनी थी तो खोल रहे हैं, तो बाइक पार्क करके वापस घर जाएंगे, तो मुझे घर जाने में यहाँ से करीब 10-15 मिनट और लगेगा, मतलब 10:30 तक जो है घर पहुँच जाऊँगा। तो ये रात के 10 बज चुके हैं, 10:11 हो गया है, यहाँ पे BMW शोरूम है आगे और इधर से रास्ता है, तो बाइक खड़ी कर दी है, ये हैं गार्ड साहब जो यहाँ पे रहते हैं। तो फिलहाल तो शोरूम का टाइमिंग ये नहीं है, टाइमिंग तो शाम तक ही है, 6 बजे तक बंद रहता है, लेकिन बाइक खड़ी करनी थी इसलिए आना पड़ा। तो अभी मैं हूँ लखनऊ के हजरतगंज में और मैंने ओला करी है बाइक के, तो वेट कर रहा हूँ भाई, पूरा राइडिंग गियर्स में एक बैग टांगे, हेलमेट लगाए, GoPro भी है, ग्लव्स वगैरह सब कुछ लगा के अभी आएगा ओला वाला, देखते हैं, फिलहाल वेट करते हैं। 4 मिनट दिखा रहे हैं, वो जो रोड के सामने वो उस समय उस सामने बाइक पे है वो आई थिंक वही है ओला वाला,
कॉल करने की कोशिश कर रहा है मुझे। कॉल आ गई। हेलो। हाँ भाई, आप ही हो क्या? OTP लिख लीजिए। ओला ले लिया यार। तब हजरतगंज से करीब लगेगा 17 से 20 मिनट और ओला लेके निकल गए हैं भाई घर के लिए। बाइक खड़ी करनी थी इसलिए शोरूम तक आना पड़ा था। शोरूम खुलवा के बाइक खड़ी कर दी है, अब जा रहे हैं घर। और 10:30 होने ही वाला है, मतलब 10:30 तक घर में होंगे। तो अभी दिखाते हैं हजरतगंज कैसा दिखता है आजकल भाई, एकदम सजा धजा। तो यहाँ से अब लेंगे लेफ्ट, ये है हजरतगंज मेन मार्केट। और ये मार्केट एरिया में देखिए कितनी चमक दमक रहती है, पूरा लाइट ही लाइट है रोड में। तो मेट्रो स्टेशन का जो ऑफिस है ये देखिए, डिविजनल रेलवे मैनेजर ऑफिस है लखनऊ का जो हजरतगंज में ही, यही है। और ये मेट्रो स्टेशन है हजरतगंज का, अंडरग्राउंड मेट्रो है यहाँ से। और चमक दमक देखिए रात के 10 बजे क्या रौनक है यहाँ पे। ये है मेन हजरतगंज मार्केट, लखनऊ का दिल। ये है मेन हजरतगंज चौराहा जो अभी हम लोगों ने क्रॉस किया। और आगे यहाँ पे राइट साइड में है GPO यानी जनरल पोस्ट ऑफिस का ऑफिस। तो बाइक शोरूम पे खड़ी करके वापस मैं अपने घर आ गया हूँ। फाइनली इसी के साथ आज का दिन खत्म होता है। एंड दिन तो खत्म हुआ, आज की राइड खत्म हुई जो कि Day 3 था। तो ये छोटी ट्रिप थी, 3 दिन की वीकेंड ट्रिप थी पन्ना फॉरेस्ट रिजर्व के लिए। तो इसी के साथ जो लखनऊ टू पन्ना राइड थी वो भी कंप्लीट होती है। एंड आई होप कि आपको व्लॉग्स पसंद आए होंगे। अगर आपको व्लॉग्स अच्छे लगे तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।